तस्वीरों में आप एक महिला की तस्वीर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो महिला है दुखी है, अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए पहुंची है। एसपी ऑफिस के धक्के खा चुकी है, आईजी ऑफिस के पास पहुंच चुकी है, लेकिन जो सुनवाई है अभी नहीं हो रही, जिसके चलते हार थक कर इनको मीडिया का सहारा लेना पड़ा। ये सर मेरे चाचा ससुर और मेरे देव करीब तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी जा रही है, कोई हमारे पे प्रेशर बना रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जिसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैंने सारी पुलिस को बोला भी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, मैंने मीडिया में पहले भी बाइट दी है सर, पर अभी तक कोई सलूशन नहीं मेरा निकला। परिवार के लोग ही हैं? हाँ जी, परिवार के लोग। ये चाचा ससुर है इसमें और एक मेरा चाचा का लड़का है देवर। बेटी की उम्र कितनी है? बेटी की उम्र सर 10 साल है। 10 साल है? हाँ जी। कब से कर रहे हैं ये हरकत? इन्होंने आगे भी पहले करी थी और हमने इस पे बोला था, तब भी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, दोबारा फिर इन्होंने ये हरकत करी। मैंने अपने ससुराल में जाके बात करी, मेरे ससुराल ससुर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया और फिर मैंने इन पे कार्रवाई करवाई पुलिस पे। तो पहले भी कंप्लेंट की गई थी? नहीं सर, पहले मैंने कंप्लेंट नहीं, वैसे ही घर में ही बात करी थी हमने। एक्शन नहीं लिया? नहीं जी, पति ने भी कोई एक्शन नहीं लिया इस बारे में, पति भी उनकी साइड ही ले रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे घर वाले ऐसे नहीं है, वो उन पे ही बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उनकी बेटी के साथ छेड़? हाँ जी, सौतेली बेटी है ये उनकी। इस वजह से? हाँ जी सर। क्या लगते हैं वो जो छेड़खानी करते हैं? वो उनके रियल तो नहीं है, ठीक है, वैसे उनके चाचा वही लगते हैं, दादू लगते हैं। दादा और चाचा? हाँ जी, दादा और चाचा छेड़छाड़ करते हैं। हाँ जी। तो कंप्लेंट दिया कितना समय हो गया? वो ही गए हैं, दो महीने हो गए सर। दो महीने में क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं, इन्वेस्टिगेशन ही कर रही है पुलिस, हमें बुलाती है उल्टा और हम पे प्रेशर बना रही है। क्या कहते हैं प्रेशर में? क्या प्रेशर में यही बोले जा रहे हैं, राजवंती मैडम है, कॉम्प्रोमाइज कर ले, पार्टी आई हुई है, बैठ के बात कर ले, निपटा ले तू अपना, तुझे क्या चाहिए? पैसे का दबाव बनाते हैं? हाँ जी, मुझे कहते हैं पैसे ले ले तू, कितने लेगी इसमें? मैंने कहा मुझे पैसे नहीं, मुझे इसमें गिरफ्तारी चाहिए इनके। तो क्यों करते हैं छेड़खानी? अपनी से बातचीत की है कि वजह क्या है? बस वजह यही है, ये उनकी रियल बेटी तो है नहीं है, ये चक्कर है मेन। तो सौतेली है इसलिए ऐसा व्यवहार करते? हाँ जी, सौतेली करते, अगर अपनी होती तो ऐसा ना वो करते। SPIG ऑफिस से मिल तो? हाँ जी, मैं SP से मिल चुकी हूँ, IG से मिल चुकी हूँ, वो भी कह देते हैं मुझे कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप चिंता मत करो, पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, कोई अरेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं। किन किन से मिल चुके हैं आप? मैं IG से मिल चुकी हूँ, SP से भी मिल चुकी हूँ इस बारे में, SP से मैं 2 बारी मिल चुकी हूँ। क्या कहा? वो यही बोल देते हैं आपको कोई बात नहीं है, हो जाएगी अरेस्टिंग, कार्रवाई हो रही है आपकी, आप चिंता मत करो। तो 2 माह में क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, CWC भी गए हम, उल्टा मेरी बेटी को नाथाले बेचने की बात हो रही है वहाँ पे भी, कह रहे माइंडली डिस्टर्ब है आपकी बेटी, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ कि बेटी है कुछ दबाव में? नहीं सर, मेंटली डिस्टर्ब। अगर ऐसा हो तो मेरी बेटी अब पेपर दे रही है, स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं उसके, तो वो बिल्कुल ठीक है, आप स्कूल से भी बातचीत कर सकते हो इस बारे में जाकर। एग्जाम दे रही है बेटी? हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं सर कार्रवाई चाहती हूँ, और इसमें लीगल एड के एडवोकेट है कपूर, वो भी बोल रहे हैं बार बार कि बेटी को अनाथ आश्रम में भेज दो, पर मैं अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम कभी नहीं भेजूंगी। आप अपने पास रखना चाहते हैं? हाँ जी, मैं अपने पास रखना चाहती हूँ और इनको कार्रवाई करवाना चाहती हूँ कि अरेस्ट हो। ये अकेली महिला देखकर दबाव बनाया जा रहा है? हाँ जी, यही देखा जा रहा है, अभी सब तरफ से अकेली आती है, मैं अपनी फैमिली को साथ, मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं इसलिए वो चल नहीं सकते इतना, उनसे भाग दौड़ नहीं होती। हो सकता है CWC बच्ची के ब्याह के लिए आप क्या काम, बच्ची के खर्च को देखते हुए उसे अनाथालय भेजा जा रहा हूँ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे कि हम डेली काउंसलिंग करेंगे, यही उनका बयान है बार बार मुझे बोल दी जा रही है। नहीं सर, क्या कहा? SP ने यही बोला कि आपकी कार्रवाई चल रही है, DSP भी गए मुकेश पे, उसने भी उल्टा यही बोला है कि बच्ची को माँ से दूर कर दिया है। हाँ जी, मैं बच्ची को अपने पास रखना चाहती हूँ। महसूस नहीं कर रहे हो अपने पति के घर? पति के घर तो सर मैं रह नहीं रही, अपने माता पिता के पास रह रही हूँ, पति तो मुझे छोड़ के चला गया दो मंथ से छोड़ के चला गया। हाँ जी। अभी आपको कहीं ना कहीं कोई डर लगता है? हाँ जी सर, मुझे धमकी भी देके गए हैं, अगर तूने ये केस वापस ना लिया तेरी बेटी और तेरे को मार देंगे। मैं तो यहाँ पे धक्के ही खा रही हूँ, क्योंकि मुझे न्याय को मिला नहीं, कभी कहती थी अनिल यही है कि अनिल से मिलने के लिए। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये FIR की कॉपी है जो पुलिस थाने में दी गई है, लेकिन थाने में FIR के नाम पर कंप्रोमाइज़ की बात की जाती है, इनको ये कहा दिया जाता है, दबाव बनाया जा रहा है, एक महिला होने के नाते इनसे ये कहकर फ़ोन पर बुलाया जाता है कि पार्टी आई हुई है, आइए और बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं इन पर पैसे का भी दबाव बनाया जा रहा है।
गिरफ्तार।